जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र के पांडेहाता के पास मंगलवार की देर रात स्कूटी सवार बदमाशों ने पिस्टल सटाकर अमृतसर के स्वर्ण कारोबारी से 20 लाख के करीब 400 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए। घटना लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित दो पुलिस चौकी के बीच हुई। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान कर तलाश में जुटी है। लूट की वारदात में किसी करीबी और मुखबिर करने का संदेश है। सर्विलांस की मदद से पुलिस छानबीन कर रही है। संत कबीर नगर में सर्राफा कारोबारी कहां गए थे और किससे मिले, इसकी जांच करने क्राइम ब्रांच की एक टीम भेजी गई है। पीड़ित सर्राफा कारोबारी शैलेंद्र सिंह ने एडीजी व आईजी को बताया कि पिछले 10 साल से गोरखपुर में रहकर कारोबार कर रहे हैं, कभी भी उनके साथ कोई वारदात नहीं हुई। स्कूटी सवार बदमाशों ने उन्हें रोका तो उन्हें लगा कि कोई बात होगी। मुंह बांधकर स्कूटी पर बैठा लंबे कद वाला बदमाश नीचे उतरने के बाद उनके पास आया। आते ही कमर के पास पिस्टल सटाकर बैग छीनने लगा। उन्होंने प्रतिकार किया तो जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद उन्होंने बैग छोड़ दिया। वारदात के बाद बदमाश गली के रास्ते तुर्कमानपुर की तरफ निकल गए। देर रात तक चली छानबीन ने पुलिस को कई जगह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली, जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश दिख रहे हैं। पुलिस का मानना है कि किसी करीबी ने मुखबिरी की है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि संत कबीर नगर पुलिस भी घटना की छानबीन कर रही है। छानबीन में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित सर्राफा व्यवसायी सर्राफा मंडल के अध्यक्ष व सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, लिखा है पर्ची में, लिखा है पर्ची में कितना, 1 किलो होगा सोना है। मोबाइल यूज करते हैं? सरिंदर सिंह अमृतसर के, वो छीन के ले गया सामान, वही नथनी कील वाली कीमत होगी 35-40। सब यही करते हैं, गोरखपुर में करते हैं, खलीलाबाद चले जाते हैं, कहीं हाटा उटा हो गया बरारगंज वाले। आज वही कील सामान बारे में, परसों आए थे शुक्रवार को, यहीं शनिवार को आए हैं और रात को 8:15-8 बजे के पास घंटाघर में नहीं, अपने घर वहाँ कमरे में जा रहे थे। हो गया 10 साल हो गया यहाँ आने में, न किसी को देते हैं सप्लाई। हमारे वहाँ एक अमृतसर से व्यापारी आते हैं जो सोने का कील और बाली वगैरह लेके आते हैं। आज वो संत कबीर नगर से व्यापार करके लौट रहे थे, तो ट्रांसपोर्ट नगर से जब वो नॉर्मल चौराहे आए हैं और वहाँ से पैदल ही वो उर्दू बाजार की तरफ आ रहे थे, तभी पांडेहाता में सीमन टावर के पास उनके संग दो लोग जो स्कूटी से थे असलाह लगा के उनका बैग छीन लिए हैं। बैग में सोने के सामान थे, कुछ कील थे, बाली थे और नथनी वगैरह थे। एग्जैक्ट वजन तो बता पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि व्यापारी आते हैं तो उसमें से कुछ माल बाजार में बिका भी होगा और कुछ माल उसमें होगा, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि माल लगभग 700-800 ग्राम के आसपास होना चाहिए, लगभग 30 लाख रुपये के आसपास की कीमत की। बदमाश स्कूटी से आए थे, एक बदमाश आगे हेलमेट पहना हुआ था और दूसरा रुमाल से चेहरा ढक रखा था। प्रशासन आप देख रहे हैं आई हुई है और आश्वस्त भी कर रही है कि हम लोग बहुत जल्दी इसके खुलासा कर लेंगे, और हमें ऐसा उम्मीद भी है क्योंकि प्रशासन इधर ऐसे कई केसों को बहुत ही तत्परता के साथ खोली है। प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस को खोला जाए ताकि उस पीड़ित व्यापारी के संग न्याय हो सके। कल रात करीब 8 बजे अमृतसर के रहने वाले श्री सुरेंद्र सिंह सरदार, सराफा व्यापारी, जो फुटकर माल मुख्य दुकानदारों से लेकर के उनके करियर के रूप में बेचा करते हैं, पांडेहाता हालसीगंज धर्मशाला पर रुके हुए थे और कल सुबह ये खलीलाबाद संत कबीर नगर गए थे। वहाँ कुछ व्यापारियों को सामान देने के बाद शेष बचे हुए माल के साथ वापस बस से ट्रांसपोर्ट नगर चौकी आए और वहाँ से टेम्पो से नॉर्मल पर
उतरे और वहाँ से उतर करके पैदल अपने रुके हुए स्थान पर जा रहे थे कि उनके पीछे से दो स्कूटी सवार अज्ञात बदमाश द्वारा डरा धमका कर उनका बैग छीन लिया गया। व्यापारी ने लूटे गए माल का वजन करीब 400 ग्राम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 19 से 20 लाख है। इस संबंध में धारा 392 का अभियोग थाना राजघाट पर पंजीकृत किया गया है। बदमाशों के भागने और आने के सभी रास्तों के CCTV खंगाले गए हैं, बहुत सी सूचनाएं संकलित की गई हैं और मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे।